यू नो सम टाइम ये है शायद के ऊपर ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, मैं खुदाई कसम पे पूछे इसके एग्री डिसएग्री कर दे मेरे साथ, इसको नहीं कोचिंग की, इसको मोटिवेशन की जरूरत होती थी, इसको कहते थे शायद जाके तू फेंटा लगाना है। ये वसीम भाई ने और सईद भाई वगैरह ने जब इसकी स्ट्रेंथ को पता चला ना, क्यों ये खुल के खेलता था फिर, क्यों शायद ने बॉब विल्मर के कोचिंग के दरमियान अपने स्कोर किए, क्यों ये अपनी क्रिकेट को एंजॉय, क्यों विकेटें लिए पाकिस्तान से, लंबी लंबी बातें नहीं की उन्होंने, इसलिए आई एम सॉरी लोगों को ये लगेगा कि हम एक प्रोग्राम में बैठ के एक दूसरे की तारीफें करें, ऐसी बात नहीं, ही डन इट, यू नो एविडेंस इज देयर ना। अब मुझे कह रहे हैं ग्रैम स्वान, जिसके लिए इंग्लैंड बोर्ड ने मुझे रखा हुआ है कि तूने आगे ग्रैम स्वान की और मोंटी पेनासार की कोचिंग करनी है, मोंटी पेनासार को कोचिंग की जरूरत होती थी, स्वान ने मुझे पहले दिन कह दिया 6 साल मैंने उसकी कोचिंग नहीं की एंड दैट वॉज माई कोचिंग एक्चुअली। लाला आपको नहीं पसंद थी वैसे कोचिंग, किसको, मुझे मुशी भाई जो बात करें, कोचिंग नहीं पसंद थी आपको? यार आप ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले सामने वाले बंदे को पहचानो कि वो पहचान है क्या, ठीक है ना, उसका उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर आप उसी तरीके से उससे काम लेने की कोशिश करते हैं। तो आई मीन कि कुछ लोग होते हैं जो प्यार की जबान समझते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा सा आपको डांटना पड़ता है, डांटना पड़ता है। आशा अभी उस समय की बात हो रही थी ना, KPL पे मैंने इसको पिक किया अपने टीम, कश्मीर लीग हो रही थी तो मैंने इसको पिक किया, तो अहमद वगैरह भी थे, अहमद शहजाद वगैरह, कहता लाले से देख के कराइएगा, ये बहुत छोड़ छोड़ के बॉले करते हैं, विकटों के चक्कर में जाता है। अच्छा वहाँ पे पिचे बहुत अच्छी थी, मैंने उसामा मीर को ना पहले ही दिन बता दिया कि मैं क्या हूँ, मतलब थोड़ा सा उसको मैंने खींचा, मैंने कहा मुझे कोई फ्लाइट बॉल नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से, तेज तेज बॉल करनी है तुमने, तेज तेज बॉल, यकीन माने उसने तेज तेज बॉल ही की है। कुछ लोगों को आपको थोड़ा सा, अब घर में सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, बराबर नहीं होती ना, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कान खींचना पड़ता है उसको, उसके फायदे के लिए, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही उसके कान खींचने का, लेकिन उसको बहुत ज्यादा फायदा। तो बड़े इसलिए कहते हैं कि बड़े होते हैं कुछ आदमी लोगों पे थोड़ा सा जो है ना डंडे के साथ, उसका रिजल्ट निकला, उसका रिजल्ट निकला, वहां से आगे निकला वो लड़का। तो मतलब वो यही बात है कि किस तरह अंडरस्टैंड करना है, मैन मैनेज किस तरह करना है, और अगले को अंडरस्टैंड करके, हर किसी को आप वो कहते हैं ना भेड़ बकरियों की तरह इधर से उधर हांक नहीं सकते, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन भी यहीं से आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। एंड जनाब यहाँ पे जो है इस वक्त 32nd मैच जारी है, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एक्शन में है, और अभी साउथ अफ्रीका ने 73 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पे, एंड इट इज जस्ट दी 16th ओवर राइट नाउ। मगर ब्रेक में जो है वो यहाँ पे भी बड़े मुकाबले जारी थे, और आप जो है वो समा डिजिटल पे देख सकेंगे कि बिहाइंड द सीन्स हो क्या क्या रहा है, बिकॉज हम तो ब्रेक्स में बड़ा इंजॉय करते हैं। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस तरह वैसे अगर हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों टीम्स की बात करें लाला, जिस तरह इन दोनों टीम्स ने खुद को अप्लाई किया इस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका हैज ऑलवेज बीन अ गुड टीम, अगर हम वक्तन फवक्तन ये बात करते थे कि दे यूज टू चोक एवरी टाइम, बट इस दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद वो, अभी तो खैर प्रेशर मैच आया नहीं है, ऐसा नॉकआउट आया नहीं, बट लगता ऐसा है कि शायद वो ये कर्ज हटा देंगे अपने ऊपर, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी टीम ऐसे मैचेस, क्रूशियल मैचेस के अंदर फिर परफॉर्म ना करना, तो इसका मतलब ये लेबल सही लगा हुआ है उनपे, हटाना भी उन्हीं को पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो टीम का कॉम्बिनेशन ओवरऑल नजर आ रहा है, क्योंकि जो बीच में साउथ अफ्रीका जिस तरह क्रिकेट खेल रही थी पहले, काफी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पॉलिटिकल इश्यूज थे या दूसरे उनके चीजें, उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आई मीन कि उसके बाद से एक यूनिटी नजर आ रही है, और किसी भी टीम के अंदर, जिस टीम के अंदर यूनिटी हो वो टीम स्टैंड कर जाती है, निकल जाती है मुश्किल वक्त से। तो वो चीज़ हमें काफ़ी अरसे बाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें कुछ अरसे से साउथ अफ्रीका की टीम में ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो फुकदान था यूनिटी का वो अब नज़र नहीं आ रहा, हर लड़का खुल के परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा डिलीवर कर रहा है, कप्तानी बड़ी अच्छी हो रही है उनकी तरफ से, आई नो कि कप्तान उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना उनके बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे हैं, ऑनेस्टली इस वक्त पूरे टीमों के अंदर, क्योंकि मैं खुद हिटिंग का शौकीन था, उनके जितने भी इस वक्त हिटर्स हैं, जब मौका आता है, ऐसी सिचुएशन आती है, इतना जबरदस्त उनकी बॉडी का बैलेंस होता है, हिटे मारते हुए कि मजा आते हैं, अच्छा कुछ स्टैट्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख के भी आपको बड़ा मजा आता है, आपका दिल खुश हो जाता है। कुछ स्टैट्स निकाले, ये हम आप लोगों से इस पर बात भी करेंगे। एक तो 45 की आपकी एवरेज प्लस और 90 प्लस का स्ट्राइक रेट, मॉडर्न क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हैं इसमें,
एक सर विवन रिचर्ड्स का नाम भी देखें, 47 की एवरेज, 90 प्लस का स्ट्राइक रेट उस दौर में। आज तो क्रिकेट बहुत तेज हो गई है। ए बी डिविलियर्स का नाम है, जबरदस्त 53.5 की एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है। विराट कोहली टॉप पर है, 57.91 की एवरेज, 93 प्लस का स्ट्राइक रेट। और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर, ए बी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, फखर जमान भी है, 45.82 की एवरेज है, 92 का स्ट्राइक रेट है। तो ये सब स्टैट्स तो मॉडर्न क्रिकेटर्स को तो हम देख रहे हैं, लेकिन मुशी भाई सर विवन रिचर्ड्स की क्या बात थी। मिनिमम 50 इनिंग जो है हमने वो निकाला उसका स्टैट, तो क्या क्या प्लेयर थे वो? लकीली मुझे अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं 2-3 साल इनके खिलाफ खेला हूँ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और ये खेला करते थे। ऐसे पर्सनैलिटी बहुत कम आप लोग देखें। इसको पता क्या था, ये चलता फिरता ऑपोजिशन टीम इसी को देखती रहती थी, जिस तरह का ये चाल करता था पूरा, और ये पूरा एक इसका करिश्मा था। वो करिश्मा क्या था याद रखिएगा, कि कवर में बॉल गया, ये ऑफ स्पिन करता होता था, कवर में बॉल गया है ना, तो लॉगी ने या डेसमंड हेन्स ने या ग्रीनिज ने बॉल पकड़ा और बॉल इसकी तरफ फेंका ना, तो ये हाथों से नहीं कैच करता था, ये ना ऐसे बॉल को फेंकता था ना, तो ऐसे सीना मारता था और ऐसे पकड़ता। आप 70% उधर ही करोगे क्या? और उधर स्लिप के कैचेस कैसे कैसे कर रहा होता था, स्लिप के कैचेस, वो रोलर नहीं होता था जो विकेट के ऊपर रोल करते हैं, उसके ऊपर वो जोर से मार रहा होता था, कैच राइट वाला है तो उसको बाएं हाथ से ऐसे पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था, मतलब 90 प्लस से बॉल तेज आ रहा हो और उसको दोनों उल्टे हाथों से पकड़ रहा हो, ये उसका करिश्मा था। और मैंने एक दफ़ा अभी PGL में भी पूछा, जब खेला करते थे उससे पूछा मैंने, मैंने कहा विव You never get scared of Thompson and Lily and all those guys. They were very fast. आगे से पता कहता है, yes, Mushi, I used to get very scared. But let me tell you one thing, the only way to survive against those guys, जो helmet भी नहीं पहना सब कुछ, तो मैं सबसे पहले जाके मैं उनको abuse करना शुरू कर देता था। मैं उसको आगे से ना breakfast से same hotel में ठहरे होते थे, breakfast में घूरियाँ डाल के उनको चले जाता था। मैंने कहा why? कहता मुझे पता था कि अंदर से उन्होंने अगर बाउंसर करने तो है ही हैं, क्यों ना मैं उनको डरा दूं, एक दो बाउंसर अगर मैंने पड़ गया ऊपर से तो फिर ये बचने के चक्कर में पड़ेंगे। यहाँ से पता चलता है, इसलिए आज उस बंदे का नाम यहाँ पे है, क्योंकि इट्स बेस्ट डिफेंस इज बेस्ट अटैक। अच्छा मुशी भाई, जब वो ग्राउंड में बैटिंग करने आता था क्या एंट्री होती थी च्युइंगम चबाते हुए? क्या उसकी बॉडी मैंने पहला गेंद किया, इसने वो शॉट मारी, वो इस तरह था कि घास जल जाएगी, तो सरफराज मेरे पास आया, सरफराज मिड ऑफ पे था, मुझे कहता है वो ये बहुत हल्का है, इन बाउंस मार। अच्छा मैं कह यार सैफ मेरी तो इतनी पेस भी नहीं है, मैं किधर से मारूं? कहता नहीं मारते सही यार, मैंने कर दिया शॉर्ट बॉल। वो गेंद गया था मेरे ख्याल से बर्मिंघम से लंदन जा रहा था, वो रस्ते में अल्लाह का शुक्र है वो जहीरबाज ने कैच पकड़ लिया। अच्छा। कहता है मैं की क्या सी तेनु, मैं कह यार मैं तेरी नहीं सुननी दोबारा तेरी नहीं कहते सुननी ये, एंड यू नो बोलिंग विव। और ये अभी जब अल्लाह जन्नत से कादर भाई की और कैटली एम्ब्रोस की जब जहाज में लड़ाई हुई ना नेहरू कप के दरमियान में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ये, जब उनकी बहुत वो हाथों पाई लड़ाई हो रही तो एक दूसरे को लड़ रहे थे मार रहे थे, ए उठा और उठ के इसने ना उसको कर्टली एम्ब्रोस को, क्योंकि वो कादर भाई के ऊपर लेटा हुआ था मुक्के मार रहा था, इसने उसको ऐसे पकड़ा कर्टली एम्ब्रोस को ऐसे पकड़ के परे मार के ना, और इसने शर्ट उतारी और मतलब ऐसे शर्ट कर कर स्टॉप गाइस, ऐसी एक आवाज़ आई है कि सारा जहाज प्राइवेट वो चार्टर्ड फ्लाइट थी और उस पूरा जहाज एकदम खामोश हो गया कि एकदम उसकी आवाज़ से, और उसके जो फेस इंप्रेशन थे ना वो सो स्केरी कि एम्ब्रोस से लेके सारी हमारी पाकिस्तान टीम भी, जिसमें हमारे इमरान भाई भी सारे बैठे हुए थे, एकदम पीछे होकर स्टंट, 5 मिनट तक कोई नहीं बोला, और ये सिर्फ इस तरह देखता रहा, एक सिर्फ कोई नहीं बोला, पूरे जहाज में कोई नहीं बोला 5 मिनट तक। ये ऐसा करिश्मा था इसके अंदर, बिल्कुल वो करिश्मा अभी भी, बिकॉज आई रिमेम्बर कि वो पेपटॉक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो पेपटॉक को ये कर रहे थे, एंड जिस तरह वो लड़के इन्वॉल्व थे ना उस पेपटॉक में, जिस तरह वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी की पर्सनैलिटी का, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा नाम और वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ था, और जो ड्रेसिंग रूम का डगआउट का जो माहौल बना के रखते थे कि हर लड़के को बैक करना, और वो नजर आता था टीम के ऊपर फुल एनर्जेटिक टाइप का मजा आता था, गुस्से में होता था, अब लड़कों को उठाता था, एक बहुत बड़े प्लेयर की तरफ से बहुत बड़ी बात होती है किसी टीम फ्रेंचाइज के साथ वो इस तरह की बॉडी। अच्छा होता क्या है कि कर तो वो रहा था लेकिन अंदर लड़के
उठ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। इतने बड़े नाम जब आपके साथ और वो आपका एज अ मेंटोर हो आपके साथ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शायद एक जल्दी से किस्सा सुना था, वेस्ट इंडीज में 86 में वसीम भाई अपनी पीक पे थे, बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे, और वसीम भाई ने ना विव रिचर्ड की दो दफा कैप नीचे गिरवा दी बाउंसर पे, और विव रिचर्ड ना अनकंफर्टेबल हो गया। पहली दफा उस सीरीज के बाद ना आई थिंक विव स्टार्ट ना गेटिंग वरीड अबाउट द बाउंसर। वसीम भाई ने बहुत तेज बॉलिंग की थी। अच्छा, वसीम भाई ने बाउंसर करके ना, तो अब सारे जो सीनियर प्लेयर होते थे ना बैट्समैन, वो खुद नहीं कुछ कहते थे, कहते तू क्या अब्यूज़ कर, क्योंकि उनको पता था कि उनके फास्ट बॉलर ने भी आगे बॉलिंग करनी है, तो हम क्यों अब्यूज़ करें। तो वसीम भाई ने उनको ना अब्यूज़ किया कि ओ यू विव रिचर्ड होगा तो अपने घर होगा, वसीम भाई तेज़ बॉलिंग कर रहे हो और स्विंग हो रहा, और दो दफ़ा विकेट उनकी कैप गिर गई हो। तो शाम को मैच खत्म हुआ तो ये वसीम भाई खुद बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, कहते हैं दरवाजे पे नॉक हुआ तो विव रिचर्ड ने शर्ट उतारी हुई थी, ट्राउजर पहना हुआ था तो, और बैट पकड़ा हुआ था, और कह जी क्या कैन यू कॉल वसीम अकरम, तो वसीम भाई ने जाके कहा कि इमरान भाई को कहा कि वो आया हुआ है, आपने तो मुझे कहा था कि आप देख लेंगे मैच के बाद, कह रहे नहीं नहीं तुम्हारा मामला है, तुम ही हल करो। फिर कहा गया यहाँ तक, यही बात, यही शर्ट उतार के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा हुआ था यूं करके ब्लाउज़र वसीम अकरम को।